मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे। इस बार की तरह गोरखनाथ मंदिर पहुंचने पर सीएम योगी ने गोरखनाथ बाबा का दर्शन और पूजा अर्चना किया। तत्पश्चात ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी के समाधि स्थल पर मत्था टेका और आशीर्वाद लिया। इस दौरान मेट्रो रूट पर आने वाली बाधाओं का 2 दिनों तक आकलन करने के बाद अधिकारियों ने गोरखनाथ मंदिर जाकर शुक्रवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को फीडबैक दिया। मुख्यमंत्री ने भी सुझाव दिए कि इसके बाद 4 लेन पर मेट्रो के लिए पिलर बनाने को लेकर आ रही समस्या का समाधान तलाश लिया गया। तय हुआ कि 4 लेन पर जहां जहां मेट्रो के लिए पिलर बनाए जाने हैं वहां वहां पर जगह छोड़ दिया जाएगा। पिलर बनने के बाद 4 लेन के निर्माण का कार्य पूरा होगा। अब मेट्रो का DPR राज्य सरकार से स्वीकृत होकर केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। इस अवसर पर LMRC MD कुमार कैशव, संजय मिश्रा, मुख्य अभियंता रवि जैन, विपिन मिश्रा, राइट्स के मैनेजर प्रियांक इटोरिया, PWD NH के कार्य अधीक्षक MK अग्रवाल, मुख्य अभियंता SK सिंह, GDA के सहायक अभियंता SP अरविंद मंडलुक, जयंत नारिकर, जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन आदि समस्त अधिकारी मौजूद रहे। गौरतलब है कि सीएम योगी आदित्यनाथ रामगढ़ताल पहुंचकर लाइट एंड शो कार्यक्रम का लोकार्पण किए। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ रात्रि विश्राम गोरखनाथ मंदिर में ही करेंगे। सुबह जनता दर्शन करने में पहुंचकर आए हुए फरियादियों से मिलकर उनकी समस्याएं सुनेंगे और उनके निस्तारण के लिए अधिकारियों को निर्देशित करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय में जयंती समारोह के उपलक्ष्य में आयोजित समापन सत्र में सम्मिलित होंगे। कार्यक्रम समाप्त होने के पश्चात सीएम योगी सिद्धार्थ नगर के लिए प्रस्थान करेंगे।
तो आपके ऊपर